हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मालूम है 6 बजे आपकी शाम को जीएस प्लस में पॉलिटी इस समय 3 दिन होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार। आज पॉलिटी में मैं आपको लगभग ये 19वीं या 20वीं क्लास होगी, ठीक है। भाग 4A तक हमने पूरा पढ़ लिया है शुरू से अंत तक। जितने लोगों ने लगातार ये लेक्चर देखे होंगे उन्हें जरूर अपने आप से ये अंदर से सारी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ, हमें कुछ गेन हुआ है देखकर। इसीलिए लगातार सीरीज से देखते जाइए भैया। अगर आप प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हो तो इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। आप लोक सेवा आयोग के अलावा अगर UP SSC में बैठने जा रहे हो, रेलवे के परीक्षा देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश SI अगर आप पढ़ रहे हो, SI में 24 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी, इन सभी से कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो मैं भाग पढ़ाता हूं उस भाग से संबंधित 50 क्वेश्चन पहले ही करवा रखे हैं, 1100 प्रश्नों की पॉलिटी। तो जो यहां पर पढ़िए मेरे द्वारा, आप रात में क्या करिए कि उस पार्ट के जो है आप प्रैक्टिस ओपन कर लीजिए। 1100 क्वेश्चन की पॉलिटी की मैंने MCQ करवा रखी है, उसको जो है उस लेक्चर को देख लीजिए, शाम को ये पढ़ लीजिए 6 बजे। रात में जब आपको मौका मिले तो उससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। इससे बेहतर तैयारी की रणनीति नहीं होती है कोई भी, ठीक है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये मानी जाती है कि जितना आप पढ़ो उससे संबंधित प्रश्नों को हल करो और ये देखो कि हमारे हल करने पर क्या प्रश्न हमें मालूम है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उस तरीके के अनुसार पढ़ो। दोनों सुविधाएं आपके समक्ष है भैया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ निःशुल्क है, सारी क्लासेस। ये भी नहीं है कि अच्छा अगर जो है पैसे देना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। खुद से नोट्स बना सकते हो, एकदम छूट है, अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर नोट्स बनाने में आपको लगता है समय जा रहा है तो टीम ने उसके लिए भी भैया आपके सामने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, और वो व्यवस्थाएं ये हैं। चूंकि जो कंटेंट जितना हम पढ़ाते हैं उसके सारे वीडियोज निःशुल्क हैं, लेकिन अगर आपको PDF मान लीजिए लेना है और उनसे संबंधित हर एक क्लास से संबंधित आपको क्विज देना है तो उसके लिए 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जो भी मित्र जेल वार्डन वगैरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जितने भी सीरीज चल रही, चाहे हिंदी पढ़ाया जा रहा, चाहे ये पढ़ाया जा रहा, जो लेखपाल की तैयारी कर, सभी में भैया उत्तर प्रदेश SI है, इन सभी से बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है। एकदम आंख बंद करके टीम पर भरोसा करके लग जाओ। कहीं कोई भटकाओ कि अपने अंदर ये स्थिति न लगाओ कि अच्छा यहां भी पढ़ ले, वहां भी पढ़ ले, ये भी कर डाले, वो भी कर डाले। एक जगह रुको, एक जगह से ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है जो 499 रुपीज में भैया 3 महीने तक जितना पढ़ाएंगे सारी PDF दे देंगे, और अच्छी PDF होगी, गुणवत्तापूर्ण होती है, प्रिंटेबल फॉर्म में होती है। ये नहीं कि ऐसे वैसे बिना अरेंज किए मिल जाएगी, अच्छी PDF मिलेगी। तो सारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए, परीक्षा प्लस परिवार में खुद भी जोड़िए, ठीक है। जितने भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, EPFO चल रहा, कोई आपका हित मित्र है उसे सूचित करिए कि EPFO में जुड़ जाओ, क्रैश कोर्स है, उसमें टेस्ट सीरीज मटेरियल भी है, ठीक है। जेल वार्डन की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आपका पूरा है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग PCS प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हो, पूरी टेस्ट सीरीज है, 15 टेस्ट की पूरा मटेरियल है, उसका कंप्लीट नोट्स है, BU का कंप्लीट नोट्स है। ऐसे ही लगातार आगे भी आने वाली जितनी परीक्षाएं होंगी, जैसे जेल वार्डन की टेस्ट सीरीज भी आएगी टीम के द्वारा, अभी क्लासेस पूरी चल रही वो भी फ्री में, ठीक है। उसके बाद आगे लोअर बेंस आने वाला है, उसके लिए भी सारी चीजें टीम की ओर से होंगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी सोचना नहीं है, टीम के पास सब कुछ है, बस आपको मन लगा के पूरे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पर सारे क्रैश कोर्स लगे हुए हैं, सब ओपन करो, आराम से पढ़ो, मस्त होगा। तो आज भैया पढ़ना क्या है उन्हीं के परिपेक्ष में बात कर लेते हैं कि आज मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूं। बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजरिए से, और आप भी बोलोगे हाँ ये सर सही है। आज मैंने देखो, मैंने आपको शुरू से लेकर भाग 4A तक पढ़ाया है, 19 या 20 क्लासेस हो चुकी, बहुत डिटेल में है इसलिए क्लासेस की संख्या ज्यादा है, ठीक है। बहुत ढंग से आपको देखना पड़ेगा तब आप सारी चीजों को पचा पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे। आज मैं आपसे सीधा बात करूंगा पार्ट 20 की, भाग 20 की, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। भाग 20 में आप जानते हैं कि क्या है, संविधान के संशोधन के बारे में पूरी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। जो भारतीय आपका संविधान है इसका संशोधन कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस किस प्रकार से होता है, इन्हीं पर आज पर चर्चा हमें करनी है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेकिन इससे बनने वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
भारतीय संविधान में संविधान को संशोधन के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाए, अनुच्छेद 368 इसके लिए सारे प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है कि भारतीय संविधान का संशोधन कैसे किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है कि भारतीय संविधान में संशोधन हम कैसे करेंगे। खुद अनुच्छेद 368 में भी कई बार संशोधन हो चुके हैं, हमें लगता है इस तरीके से अड़चन आ रही संशोधन करने में, तो हम इसमें फिर से संशोधन कर लेते हैं अपने अनुसार। तो इन्हीं पर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं, संविधान में जो अनुच्छेद 368 है इसमें संविधान के संशोधन की कितने तरीके हैं, भारतीय संविधान में। देखो दो तरीके से सवाल पूछता है, सबसे पहले मैं उसी का जिक्र कर लूं। आपसे मान लीजिए पूछ ले कि भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, यह प्रश्न आया हुआ है, भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो इसका जवाब आप क्या चुनेंगे, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता। अब इसमें मान लीजिए विकल्प उसने दे दिया, पहला ए विकल्प दे दिया, दो, बी विकल्प उसने लिख दिया, तीन, सी विकल्प लिख दिया, चार, और डी विकल्प लिख दिया उसने, पांच। अब आपसे कहे इसमें से कौन सा उत्तर सही है, भारत में संविधान संशोधन कितने तरीके के हो सकते, ठीक है, तब आप यहां पर जवाब चुनेंगे तीन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, अगर यही प्रश्न थोड़ा सा आपसे क्या करे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दे और आपसे यह पूछे कि अनुच्छेद 368 में, ठीक है, आपसे पूछे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वहां ध्यान रखना जब अनुच्छेद 368 पूछेगा तब आप जवाब दो देना, ठीक है, तब आपका जवाब दो होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे संविधान के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तब आप जवाब तीन दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार हैं, तब आपका जवाब दो होगा। इसको याद रखना क्योंकि इसी भाषा में सवाल पूछता है, अगर आपने यहां दो कर दिया तो गलत हो जाएंगे और यहां अगर आपने तीन कर दिया तो गलत हो जाएंगे। जब अनुच्छेद 368 तो संविधान में संशोधन के तरीके तीन, लेकिन वो दो, लेकिन जब आपसे पूछे भारत में संविधान में कितने तरीके के संशोधन हो सकते, तब आपका जवाब होगा तीन, ठीक है। तो 368 में दो प्रकार हैं और संविधान में जो व्यवस्थाएं जिनके अनुरूप हम कर लेते हैं वह व्यवस्थाएं तीन प्रकार की है। इन्हीं को बहुत ढंग से समझना है, ठीक है। अब ये चीजें तो स्पष्ट हो गई होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस अनुच्छेद में है, 368 में किस भाग में, जो है भाग 20 में है। अब इसी पर आगे बहुत व्यापक परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। समझिए संविधान का जो संशोधन होता है इसमें क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, जो मैंने विशेषताओं में फीचर में आपको पढ़ाया था, जिन्होंने फीचर को बहुत अच्छे से देखा होगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं के वीडियो को, उन्हें बहुत कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। वैसे मेरा प्रयास हमेशा होता है कि आप जितनी चीजें पढ़ के आए हो उससे कुछ बेहतर मैं आपको दूं, इसलिए मेरे लेक्चर को आपको देखोगे ढंग से तो आपको यह जरूर मिलेगा, कोई भी विषय है उसमें यह जरूर मिलेगा कि अच्छा कुछ नए पॉइंट हमें आज पता चल रहे हैं। इसलिए हर एक लेक्चर को मेरे बहुत ढंग से देखिए, बहुत काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लेक्चर पर थोड़ा बहुत मेहनत होती है, रिसर्च होता है, उसके बाद आपके सामने रखा जाता है। देखिए अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के उलट लचीलापन एवं कठोरपन दोनों का दर्शन कराता है, या दोनों के इसमें हमें दर्शन मिलते हैं। संविधान का वह भाग जो संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता है उसका संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता, कैसा भाग, जो संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता उसका संशोधन साधारण बहुमत से कर सकते हैं, तथा जो भाग संघीय ढांचे को प्रभावित करता है उसका संशोधन विशेष बहुमत से करते हैं। दोनों को याद रखना, विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति, ठीक। जो संघीय ढांचे को परिवर्तित करेगा उसके संशोधन के लिए हमें क्या चाहिए, विशेष जो है बहुमत चाहिए, राज्यों की स्वीकृति चाहिए, और जो संघीय ढांचे को जो है कहीं से परिवर्तित नहीं करता, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, संविधान संशोधन करना है, तो उसके लिए हमें कभी नहीं सोचना होगा कि हम क्या करें, हमें बहुत सारी चीजें जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता है या राज्यों से अनुमति की आवश्यकता, ऐसी जरूरत नहीं होगी। आगे देखिए, कुछ संशोधन केवल विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368
के तहत संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति है यह संसद की शक्ति के अधीन है तथा इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। समझ गए होंगे जितनी बातें मैंने बताई उन सारी चीजों को आपने बहुत ढंग से समझा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला अगर इसमें देखा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या कैसे है, ये भैया बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो हमेशा गलतफहमी में रह जाओगे और गलत करके चले आओगे। देखो राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य किया गया है, पहले बाध्य नहीं था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको बाध्य बनाया गया, ठीक। दूसरी बात, विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, यह पूछा है, ठीक है। वैसे मैं उतनी चीजों पर जरूर फोकस करता हूं, कोई भी लेक्चर होता है तो उसमें जहां से प्रश्न बने हैं उनको मैं जरूर शामिल कर देता हूं, ठीक है। तो आप अगर सारी चीजों को कंटेंट को ही आप ढंग से सुनते रहे पढ़ते रहे तो ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं प्रश्नों को भी कर रहे हो, ठीक। यहां पर समझिए, विधेयक को यह पूछा है कि संविधान संशोधन के विधेयक को संसद में कौन पेश करता है, तो मंत्री पेश कर सकता है या निजी सदस्य, कोई भी पेश कर सकता, कोई भी जो है उसमें संसद में पेश कर सकता है। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन जाएगा, पहले वो विधेयक होता है लेकिन जब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देता है तो वह अधिनियम हो जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। अब वह संशोधन विधेयक कैसा होता है, संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। आगे ध्यान दें, प्रत्येक सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दो हैं अपने यहां, तो प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य होता है। इसको ध्यान रखना, यह सवाल आया है कि संविधान संशोधन विधेयक क्या दोनों आपके सदनों में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है या नहीं, तो है भैया। अगली चीज, यदि विधेयक संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला है तो उसे संसद के विशेष बहुमत के समर्थन या साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। आधे राज्यों के जो विधानमंडल है वहां सामान्य बहुमत होना चाहिए लेकिन संसद में हमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता, यह भी सवाल आया है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में, और डी बोला है इनमें से कोई नहीं, तो उसमें सी आपका सही होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हम पेश कर सकते हैं। समझ गए। अगली चीज, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, यह पूछा है कि निम्न में से किस उसमें जो है मतलब बिल पर चर्चा के लिए जो है बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो उसमें एक चीज यह डाल दिया था संविधान संशोधन विधेयक, मान लीजिए संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा से वहां पर पारित नहीं होने लगा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान संशोधन के उस विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान किया जाए। अगर एक जगह से पारित हुआ दूसरे जगह नहीं पहुंच जो है पारित हो रहा है तो वह चीजें वहीं पर क्या होती हैं, खत्म होने जाती हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, प्रश्न आया है। अब संविधान संशोधन के प्रकार पर चर्चा कर ले, मैंने बताया कि भारतीय संविधान में संशोधन के तीन प्रकार है लेकिन अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से ही जुड़ा है उसके अनुसार भारतीय संविधान में दो प्रकार के संशोधन होते हैं, तो तीन और दो दोनों को याद रखना, कहीं गलत मत करना। देखो भैया, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन, यह पहला प्रकार है संशोधन का। दूसरा होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, यह दूसरा प्रकार होता है। और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ये तीन प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में होते हैं। आगे बढ़िए, एक एक को बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ लीजिए। सबसे पहले पढ़ लो साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से होते हैं। देखो भैया, संविधान में काफी संख्या में साधारण बहुमत से संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बात कर रहा संघीय ढांचे को अगर प्रभावित नहीं किया जा रहा तो उससे संबंधित कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर समझो, अपने यहां काफी संख्या में साधारण बहुमत से संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है।
साधारण बहुमत से जो होती हैं वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है क्या क्या, अगर नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना है, बहुत ढंग से पढ़ना। इसमें से प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन साधारण बहुमत से पारित होगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग का प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है, या संशोधित किया जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना है, साधारण विधेयक द्वारा होगा। नए राज्यों का निर्माण करना है और क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन करना है, साधारण विधेयक द्वारा होगा। अगली चीज, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करनी है, साधारण विधेयक द्वारा होगा। चौथी चीज, दूसरी अनुसूची जिसमें सुविधाएं भत्ते आदि से जो राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश आदि के लिए है, इसमें परिवर्तन करना है तो साधारण विधेयक से ही होगा। अगली चीज, संसद में गणपूर्ति जो कोरम बनाया गया है कि मिनिमम इतनी संख्या होनी चाहिए, इसमें परिवर्तन करना है तब भी आपका किससे होगा, साधारण बहुमत से होगा। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से अगर संबंधित है तो साधारण विधेयक होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण अगर किया जाना है तो साधारण विधेयक से होगा। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते को लेकर सवाल है तो ही भी यह साधारण विधेयक से होता है। संसद इसके सदस्यों और समितियों को जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को बढ़ोतरी करना, घटोतरी करना, इन सभी के लिए भी साधारण विधेयक के द्वारा सारी बातें हो जाती हैं। उच्चतम न्यायालयों में सहायक न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है, घटाना है, यह भी साधारण विधेयक के द्वारा सारी चीजें हो जाती हैं। समझ गए साधारण विधेयक से कैसे कैसे संशोधन होते हैं, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी की डिमांड कहां है, 2/3 की डिमांड किन पे है, ठीक है। जहां 2/3 बहुमत चाहिए वही विशेष बहुमत होता है, इसको समझो। संविधान में बहुमत की व्यवस्था जिसमें संसद में विशेष बहुमत की बात हो का अभिप्राय है, इसका अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब वह बहुमत 50% से अधिक, यानी 2/3 इसीलिए बोला जाता, जिसमें उपस्थित एवं मतदान के आधार पर प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन हो। उपस्थित एवं मतदान दोनों को याद रखना, उपस्थित अगर जितने व्यक्ति हैं वो भी 2/3 हो और मतदान करने वाले का भी 2/3 हिस्सा होना चाहिए। कुल सदस्यों का मतलब सदन की सदस्य संख्या जिसमें रिक्त एवं अनुपस्थित भी शामिल है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है क्या क्या, कैसे कैसे संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। पहला तो है राज्य नीति निदेशक सिद्धांत में अगर बदलाव करना, आपके पार्ट 4 में बदलाव करना, तो वहां पर क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। दूसरा है अगर फंडामेंटल राइट में बदलाव करना तो विशेष हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तीसरा कह रहा वह सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है, इन सभी में अगर परिवर्तन करना है तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगला, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो संशोधन तीसरा प्रकार होता है, इसको समझ लो बच्चा, यह क्या है, देखो ध्यान दो। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान की विशेषताओं को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों में, कितने, आधे राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिले, मंजूरी मिलना जरूरी है। अगली चीज, इस तरह से निम्नलिखित व्यवस्थाओं को संशोधित किया जाता है, कैसे कैसे, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है इसमें बदलाव करना है तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए और 2/3 हमें मेजॉरिटी भी चाहिए। अगली चीज, केंद्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना है तो वो भी इसी के अंतर्गत होगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कोई परिवर्तन करना है इससे संबंधित है तो वह भी इन्हीं के अंतर्गत होगा। सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई भी विषय है इसमें अगर मान लीजिए संशोधन करना है तो वहां पर भी वो क्या होगा, राज्यों का समर्थन और विशेष बहुमत हमें आवश्यक है। केंद्रीय एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन अगर करना है तो वहां पर भी हमें क्या होगा, वहां पर भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी और आधे राज्यों का समर्थन जो है चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे जितने प्रावधान थे यह संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सारे प्रकार थे। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपने बहुत ढंग से समझा होगा। संविधान संशोधन भैया जब पॉलिटी पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो उसमें सबसे अंत में पूरे जितने आज तक हुए हैं लेटेस्ट डाटा तक
ठीक है, वो सारे संशोधन में पढ़ाऊंगा, यहां पर आज नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर सिर्फ प्रक्रिया बता रहा हूं, क्योंकि जैसे भाग पांच से शुरू होगा तो भाग पांच से आपको बीच बीच में सारी चीजें मिलने लगती हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले संविधान संशोधन में पढ़ा दूं भाग बीस, उसके बाद अब नेक्स्ट जब हम टॉपिक अगले मंडे से मिलेंगे सोमवार से, तब अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे राष्ट्रपति को, भाग पांच को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आगे इन सारी चीजों को। जिन लोगों ने नहीं देखा है भैया, अभी तक के सारे लेक्चर ढंग से देख डालो, इसके बाद पॉलिटी आपको ना तो किताब की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई अन्य यूट्यूब का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं वहां तक बता दे रहा हूं कि आप पीसीएस प्रीलिम्स तक आराम से स्कोर कर सके, अच्छे स्कोर कर सको। तो उम्मीद है संविधान संशोधन बहुत ढंग से आपने समझा होगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा प्लस परिवार में जोड़ते रहिए। आप सभी की भैया ये जिम्मेदारी है, ठीक, कि टीम में सारे सदस्यों की बढ़ोतरी करिए, मस्त होकर पढ़िए, ठीक है। बाकी टीम आप सभी के साथ है, धन्यवाद।